कलेक्टर विनीत नंदवार के निर्देश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी आर पुजारी के मार्गदर्शन में दंतेवाड़ा जिले में 12 नवंबर से जागरूकता अभियान शुरू हुआ। वहीं अभियान का मुख्य उद्देश्य गंभीर बीमारी निमोनिया के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है, ताकि बच्चों में निमोनिया के लक्षण होने पर उसकी तत्काल पहचान कर समुचित उपचार प्रदान करना। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि निमोनिया एक गंभीर बीमारी है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। बता दें कि बच्चों में निमोनिया के लक्षण होने पर माता पिता घरेलू उपचार में समय ना गंवाएं तथा लक्षण की पहचान करते हुए तुरंत बच्चों का उपचार करवाएं। इसके लिए जागरूकता गतिविधियां जिले में आयोजित कर निमोनिया के प्रति जागरूकता का वातावरण निर्मित किया जाएगा। निमोनिया के लक्षण बच्चे में खांसी और जुकाम का बढ़ना, तेजी से सांस लेना, छाती के नीचे धंसना, तेज बुखार रहना आदि लक्षण हो सकता है। इसलिए चाइल्ड मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी जो साल भर के कम वर्ष के जो बच्चे होते हैं, इनका जो मेन जो मृत्यु का कारण रहता है उसमें सेप्टिसीमिया वो एक बहुत बड़ा कारण रहता है, और उसमें भी जो निमोनिया है वो बहुत बड़ा वो उसमें फैक्टर रहता है। तो उसी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा और उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा पूरे से छत्तीसगढ़ में सांस कैंपेन अभी चलाया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत सभी अपने फील्ड स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर, जितने भी सभी का उसमें ट्रेनिंग कम्प्लीट कर दिया गया है। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है कि जो भी बच्चे क्रिटिकल स्थिति में जाए उससे पहले हम कैसे उनको डायग्नोसिस करें और समय पे उनको हॉस्पिटल में लाएं, ताकि ये समय होने वाली जो मृत्यु है उससे बचा जा सकते हैं।